नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कांस में एंट्री, मेंटो की स्क्रीनिंग पर भी बोली नंदिता दास। मशहूर अफसास निगार सादत हसन मंटो के जीवन पर बनी फिल्म मंटो को बीते रोज 71वां कान फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और फेस्टिवल द कांस का नाम एक साथ ऐसा जुड़ा है कि छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। हर बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी किसी न किसी फिल्म के साथ शिरकत करते हैं। इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मंटो कांस जा रही है और फिल्म को अनसर्टेन कैटेगरी में दिखाया जाएगा। रविवार को फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई है, जिसमें अभिनेता डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की टक्सीडो में नजर आए। इसकी तस्वीरें अभिनेता ने खुद जारी की। इस मौके पर सैले डेब्यूसी हॉल में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। एक्ट्रेस नंदिता दास के निर्देशन में बनी इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद कास्ट और प्रोडक्शन टीम के 23 सदस्य मंच पर आए। निर्देशक नंदिता ने इस मौके पर कहा, मंटो 1940 से 50 के समय के बीच की फिल्म है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में जो चल रहा है ये उसके बारे में है। उन्होंने आगे कहा, कान घर की तरह है और ये बेहद खुशी की बात है कि मेरी दूसरी फिल्म का प्रीमियर यहाँ हो रहा है। स्क्रीनिंग के बाद पीटीआई से नंदिता ने कहा, मेरी फिल्म एक परिवेश में बनी हुई है, लेकिन मुझे सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भावनाओं का इस्तेमाल सही तरीके से कर पाते हैं तो फिल्म खुद ही दर्शकों के साथ जुड़ जाती है। HCN न्यूज़ की रिपोर्ट।